से अटल सेतु पर एक वीडियो बना और वीडियो हैरान कर देने वाला। दरअसल एक महिला कैब से उतरी, अटल सेतु से समुद्र में छलांग लगाने लगी। इस दौरान वहां मौजूद कैब ड्राइवर और सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे बचाया। आपको बता दें कि ये देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर पुलिस कर्मचारी ने हाथ से पकड़कर लटकती हुई कूदने की कोशिश करती हुई महिला को रोके रखा, और इस दौरान अन्य पुलिस कर्मचारियों ने जाकर उसकी मदद की और उस महिला को बाहर निकाला गया। एक महिला कैब से अटल सेतु पहुंची और पुल के बीच कार रुकवाकर रेलिंग पर चढ़ गई। उसके बाद आत्महत्या करने के लिए उसने छलांग लगाने की कोशिश की, और अचानक जब वो छलांग लगाने लगी तब वहां पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने फुर्ती दिखाई, कैब ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई और महिला का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी जान बचाई। महिला ने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, समय रहते ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया, और ऐसे में ड्राइवर खुद भी पानी में गिर सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए महिला को पकड़ लिया और जाबाजी यहां पर उस ड्राइवर ने दिखाई। कैब ड्राइवर जो कि देखिए किस तरह से गिरती हुई महिला को पकड़ता है, और ये रियल लाइफ हीरो हैं जो लोगों की जान बचा रहे हैं। और वाकई में ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप लगभग अपने ही वजन के बराबर वजन को हाथ से उठाएं, और भी इन परिस्थितियों में। ऐसे में पुलिस जब मौके पर पहुंची, ड्राइवर की मदद से महिला को कूदने से बचाया। अटल सेतु पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और पूरी घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई बताया जा रहा है। और शिवपुर में एक तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। बस सड़क से उतरकर पुलिया के पास पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आपको बता दें कि कराहल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बस जयपुर से शिवपुरी लौट रही थी, जो शिवपुर शिवपुरी हाईवे पर कराहल कस्बे के पास पेड़ से टकरा गई। और निवाड़ी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित वाहन पलट गया और हादसे में 11 श्रद्धालुओं की घायल होने की जानकारी मिल रही है। राम राजा मंदिर ओरछा दर्शन करने के लिए सभी जा रहे थे, और इस दौरान सकेला तिगेला के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। और मैहर में अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलट गया, और ट्रक के ऊपर जिसमें टमाटर भरकर ले जाया जा रहा था, लोग टूट के पड़े और टमाटर लूटने लगे। मैहर कटनी मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ, और ये अमदर्रा के परसवारा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हादसे के बाद मदद तो क्या करनी, उल्टा लोग टमाटर लूटने में लग पड़े। और उज्जैन के काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का आरोप यहां के सुरक्षा में लगे निजी कंपनी के कर्मचारियों पर लगा है। सुरक्षा के लिए जो कर्मचारी वहां पर लगे रहते हैं, वो श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार और लाठी डंडे से पीट रहे हैं, ऐसा वीडियो सामने आया है, और सोशल मीडिया पर ही काफ़ी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, और काल भैरव मंदिर में सुरक्षा का जिम्मा क्रिस्टल कंपनी संभालती है, और यही कंपनी महाकालेश्वर मंदिर में भी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। इससे पहले भी सुरक्षा कंपनी पर सुरक्षा कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगते हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए पहुंच